नमस्कार दोस्तों, अगस्त का महीना आ गया है। हमको एक स्मार्टफोन खरीदना है जिसमें आपको डिजाइन एंड डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया मिले, कैमरा जबरदस्त मिले और प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल मिले। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए ना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जो इस अगस्त के महीने में खरीद सकते हो, वो भी 15,000 के अंदर। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बगल में बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल डिटेकी। लास्ट फिफ्थ नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है, जिन लोगों को चाइनीज स्मार्टफोन बिल्कुल ही पसंद नहीं, उन लोगों के लिए सैमसंग ला रहा है बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन, सैमसंग गैलेक्सी M21। यहाँ पर आपको 6.4 इंच का एक सुपर अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगी फुल HD की। यहाँ पर आपको इन्फिनिटी यू डिस्प्ले देखने को मिलेगा, फ्रंट ग्लास का एंड बैक प्लास्टिक डिजाइन के साथ मिल जाएगा विद गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन के साथ। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्जिनोस का 9611 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 10 नैनोमीटर फिनप्रिट प्रोसेस पर बना हुआ एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। ये एंड्रॉइड 10 एंड वन UI 2.0 कस्टम UI साथ आपको देखने मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेल्फी के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, बट आप 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर सकते हो। बैटरी की बात करें तो यहां पर आपको 6000 mAh का बैटरी दिया गया, उसके साथ आपको 15 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसका 4GB 64GB का वेरिएंट अमेजन से खरीदते हो तो आपको पड़ जाएगा 13,999। एक बहुत ही बड़ा स्मार्टफोन है, जिन लोगों को चाइनीज स्मार्टफोन बिल्कुल ही पसंद नहीं, चाइनीज स्मार्टफोन खरीदना पसंद नहीं करते, उसके साथ डिस्प्ले भी बढ़िया चाहिए, कैमरा भी बढ़िया चाहिए, उसके साथ सैमसंग का ब्रांड वैल्यू चाहिए, वो इस स्मार्टफोन को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। ये 15,000 के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन है। फोर्थ नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi Redmi Note 9। यहाँ पर आपको 6.53 इंच का एक IPS LCD देखने को मिलेगा, जहां पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगी फुल HD प्लस की। यहाँ पर आपको पंचोल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, फ्रंट ग्लास का एंड बैक प्लास्टिक डिजाइन के साथ मिलेगा विद गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन के साथ। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek का Helio G85 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 12 नैनोमीटर फिनप्रिट प्रोसेस पर बना हुआ एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। उसके साथ कैमरा की बात करें तो रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेल्फी के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बैटरी की बात करें तो बैटरी यहां पर 5020 mAh का दिया गया है, उसके साथ आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड देखने को मिलेगा। अगर आप इसका 4GB 64GB का वेरिएंट अमेज़न से करते हो तो आपको पड़ जाएगा 11,999। जिन लोगों के लिए गेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बट अंडर बजट में, वो इस स्मार्टफोन को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। ये 15,000 या 12,000 के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन है। थर्ड नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Realme कंपनी की तरफ से, Realme 6 है। यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक IPS LCD देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगी फुल HD प्लस की। यहाँ पर आपको 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ मिलेगा। इसमें आपको पंचोल डिजाइन भी देखने को मिल जाएगा, फ्रंट ग्लास एंड बैक प्लास्टिक डिजाइन के साथ मिलेगा विद गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन के साथ। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio G90T प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 12 नैनोमीटर फिनप्रिट प्रोसेस पर बना गया एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। ये मोस्टली गेमिंग चिपसेट है, आप यहां पर गेमिंग जबरदस्त खेल सकते हो। कैमरा की बात करें तो कैमरा आपको रियर में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेल्फी के लिए मिल जाएगा। बैटरी की यहाँ पर बात करें तो बैटरी यहाँ पर 4300 mAh का मिलेगा, उसके साथ आपको 30 वाट को फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको साइड माउंटेड देखने को मिलेगा। अगर आप इसका वेरिएंट 4GB 64GB का वेरिएंट फ्लिपकार्ट से खरीदते हो तो आपको पड़ जाएगा 12,999। एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, जिन लोगों को गेमिंग मतलब गेमिंग धड़ाधड़ खेलना है वो स्मार्टफोन जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अंडर 50,000 एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन है। सेकंड नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है अगेन Xiaomi की तरफ से, Xiaomi Redmi Note 9 Pro। यहाँ पर आपको 6.67 इंच का IPS LCD देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगी फुल HD प्लस की। यहाँ पर आपको पंचोल डिजाइन के साथ मिल जाएगा, फ्रंट बैक ग्लास डिजाइन के साथ विद गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये बेहतरीन डिजाइन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको Qualcomm का Snapdragon 720G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 8 नैनोमीटर फिनप्रिट प्रोसेस पर बना हुआ एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर, एक बहुत ही बढ़िया पावरफुल प्रोसेसर है।
कैमरा की बात करें तो रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेल्फी के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, बट 30 फ्रेम पर सेकंड पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बैटरी की बात करें तो बैटरी यहां पर 5020 mAh का दिया गया है, उसके साथ आपको 8W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको साइड माउंटेड देखने को मिलेगा। अगर आप इसका 4GB 64GB का वेरिएंट फ्लिपकार्ट से खरीदते हो तो आपको पड़ जाएगा 13,999। ये एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो जिसका डिस्प्ले अच्छा खासा हो, डिजाइन बहुत ही बढ़िया हो, कैमरा भी बढ़िया हो और प्रोसेसर जबरदस्त हो, आप इस स्मार्टफोन को जरूर कंसिडर कर सकते हो। ये अंडर 15,000 एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। पहले नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Redmi Note 9 Pro का एक कपिड वर्जन पोको M2 Pro। यहाँ पर आपको 6.67 इंच का एक IPS LCD देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगी फुल HD प्लस की। यहाँ पर आपको पंचोल डिजाइन देखने को मिलेगा फ्रंट एंड बैक ग्लास डिजाइन के साथ, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डिस्प्ले में HDR का सपोर्ट देखने को मिलेगा। प्रोसेसर यहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 8nm फिनपिट प्रोसेसर पर बना हुआ एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। उसके साथ आपको कैमरा रियर में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, बट 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेल्फी के लिए मिल जाएगा। बैटरी यहाँ पर 5000 mAh का दिया गया, उसके साथ आपको 33W को फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है, साइड माउंटेड दिया गया है। अगर आप इसका 4GB 64GB का वेरिएंट फ्लिपकार्ट से खरीदते हो तो आपको पड़ जाएगा 13,999। ये एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आपको एक डिजाइन बहुत ही बढ़िया चाहिए, कैमरा भी बढ़िया चाहिए, प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल चाहिए, उसके साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट ज्यादा चाहिए, आप ये स्मार्टफोन को जरूर कंसिडर कर सकते हो। यह रहा टॉप 5 स्मार्टफोन जो आप अगस्त के महीने में आराम से खरीद सकते हो। आप कौन सा स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो, आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, हाँ कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। ओके, चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।